59 पे चला हूँ मैं आज, मतलब मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। बड़े बड़े भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता जो है, ठीक है, अर्जुन सिंह भी बताया ना, हमारे अर्जुन सिंह जी हैं, ये भी लंजी वार्ड से, और जैसा कि आपने सुना है कि इन्होंने बताया है कि ये भी जो है जब से इन्होंने वोट डाला है भाजपा को ही डाला है, और ये भी जो है भाजपा परिवार को आज छोड़ के जो है कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। तो अर्जुन सिंह जी, आपको कांग्रेस परिवार में जुड़ने में बहुत बहुत बधाई। पालपुरी जी हैं और ये पलियूर पंचायत से है, और ये भी जो है भाजपा के जो है कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। आज ये भी जो है भाजपा की गलत नीति की वजह से जो है कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। पुरसा भाव का कांग्रेस परिवार में जुड़ने पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हमारे बाबू राम जी हैं, ये हमारे नमलिका से हैं, ये भाजपा की जो है गलत नीतियों से जो है दुखी होके जो है कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो गए। आपका कांग्रेस परिवार में विनोद भाई ये हमारे केवल किशन जी हैं, ये भी जो है दरडा पंचायत से है, नमलिका से परियार से है, उजार से है, और उपचुनाव में इन्होंने प्रधान का चुनाव भी लड़ा था। ये भी जो है भाजपा की गलत नीति से जो है ये हमारे सोबिया राम जी हैं जो कि बैंसका से हैं, नगोई से हैं, आज ये भी जो है भाजपा परिवार से जो दरडा पंचायत से हैं, ये भी जो है आज भाजपा परिवार से जो है दुखी होकर जो है कांग्रेस में सम्मिलित हो गया। आपको बहुत बहुत ये हमारे चमन सिंह जी हैं बैंसका से हैं, दरडा पंचायत से, ये भी जो है भाजपा को आज छोड़ के जो है कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई। किशोर राम कौन से ये हमारे किशोर राम जी हैं, बैंसका से है, दरडा पंचायत से, ये भी जो है भाजपा से जो है दुखी होकर जो है कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो गए। बहुत बहुत बधाई। ये हमारे चमारू राम जी हैं, उजाड़ से है, दरडा पंचायत से, ये भी जो है भाजपा की गलत नीतियों से दुखी होकर जो है कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो गए। आपको बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नीरज नैयर जिंदाबाद, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बड़ा बड़ा धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हेमराज जी का जो है कांग्रेस परिवार में जो है मैं उनका जो है स्वागत करता हूँ। ये वार्ड मेंबर हैं रोनी वार्ड से कीड़ी पंचायत में, और दो बार के जो है लगातार जो है वार्ड मेंबर हैं, और भाजपा के जो है कट्टर समर्थक रहे हैं, और आज ये भाजपा की जो है गलत नीतियों की वजह से जो है मेंबर साहब जो है कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। हेमराज जी, मैं आपका कांग्रेस परिवार में जुड़ने पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको बहुत बहुत कांग्रेस पार्टी, ये भी रोनी वार्ड से हैं, और ये भी भाजपा के जो है कार्यकर्ता रहे हैं, और ये भी भाजपा की गलत नीतियों की वजह से जो है भाजपा परिवार को छोड़ के आज कांग्रेस में शामिल हो गए। स्वागत है जी, स्वागत है कांग्रेस पार्टी में, स्वागत है। ये हमारे महेंद्र कुमार जी हैं, ये भी रोनी वार्ड से हैं, ये भी जो है भाजपा के समर्थक रहे हैं, ये भी जो है आज भाजपा परिवार को छोड़ के जो है कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं। आपको कांग्रेस परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इधर देखिए सर,
Bye.
कांग्रेस पार्टी सदर चंबा के प्रत्याशी बड़े भाई नीरज नैयर जी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उनके साथ आए सभी कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन है, हमारे ग्राम पंचायत लुट्टू में हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भी है ये, और ये वे समाज सेवा में भी इनका अहम रूप रहता है। जहाँ भी किसी भी क्षेत्र में कोई घटना होती है तो सबसे पहले भाई नीरज नैयर की हाजिरी वहाँ पर होती है। पार्टी को भी परे रखकर ये मतभेद भुलाकर सभी के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। आज तक 5 साल तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि नीरज नैयर जी कहीं घर बैठे हैं, हर एक दिन रात 11-12 बजे तक ये व्यस्त रहते हैं। इनका शेड्यूल बहुत ही व्यस्त है। आने वाले समय में हर एक व्यक्ति का ये दुख सहने में सक्षम रहेंगे। इन्होंने ये ठान लिया है कि अपना जो 24 घंटे का टाइम है वो जनता के लिए समर्पित कर दिया हुआ है। ये बहुत ही ईमानदार छवि के नेता है। इनके पिताजी को तो यहाँ बुजुर्ग सभी जो बैठे हैं वो जानते होंगे, पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी बहुत ही नाम कमाया है। नीरज नैयर जी अभी सभी युवाओं की दिल की धड़कन बन चुके हैं, और सभी युवा साथी नीरज नैयर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पता है उसको कैसे फाड़ोगे? नीरज नैयर एक ईमानदार और एक पेशेंस रखने वाले व्यक्ति है। मैंने आज तक उनके जुड़े हुए उनके साथ 8-9-10 साल के करीब हो गए, पर मैंने जहाँ उनको बोला, जहाँ मर्जी बोला, इन्होंने कभी मना नहीं किया मेरे साथ। जहाँ मर्जी अकेले ही चल पड़े, जहाँ मर्जी बोला मैंने, कहीं किसी दुखद घड़ी में इनकी प्राथमिकता पहले रहती है। हाल ही में 2 साल पहले की बात कहता हूँ, 2 साल पहले हमारे चंबा हॉस्पिटल, चंबा जो चंडीगढ़ से बस आ रही थी, चंबा चंडीगढ़, उसका तरीका भी बहुत अच्छा है, बहुत ही पेशेंस रखने वाले व्यक्ति है। तो इन्होंने पूरा दिन साथ में, जो बेचारे 2-3 जगह एक्सपायर भी हो गए थे, वहाँ भी लकड़ी डाल के रात को 5 बजे अपने घर पहुँचे। उसने उपस्थिति दर्ज की, कहीं जगह किसी की जगह बैठने पे भी आए, मृत्यु में दुख की घड़ी में जिस नेता ने हमारा साथ दिया, हम उसका साथ देंगे, कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। नीरज नैयर कांग्रेस पार्टी। अब मैं अपने सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि हमारे अपने नीरज नैयर जी प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नीरज नैयर जी लुड्डू आने पर इनका हार्दिक अभिनंदन, प्लस जो बाहर से जो लोग आए हुए उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में करता हूँ, 12 तारीख का दिन है, हाथ चुनाव चिन्ह है, 12 तारीख का दिन होगा, हाथ चुनाव चिन्ह होगा, हाथ वाला बटन दबाना है, अपने नीरज भाई जी को कामयाब बनाना है। नीरज नैयर, नीरज नैयर, गांव शहर से आई आवाज, नीरज भाई अब की बात, गांव शहर से आई आवाज, नीरज भाई अब की बात। ज्यादा टाइम ना लेते, मेरे लुड्डू पंचायत के गांव वासी और आसपास के इलाकों से आए सभी भाई और बहनों को यहाँ पर स्वागत है। और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है श्री नीरज नैयर जी, उनका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी पंचायत को सिर्फ वोट बैंक ही समझा जाता है। जैसे कि पिछली बार जो हमारे MLA थे पवन नैयर जी, वो इलेक्शन के बाद शायद ही दोबारा यहाँ पर आए हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आप जीते तो यहाँ पर आते रहे। और दूसरे लोग तो आपको सबको पता ही है हमारे चंबा की क्या हालत है। देखो हेलो, पीछे तो हमको पता है, मेरे फादर साहब बीती है ना, उसको मुझे पता है। यहाँ पे जो मतलब ये जो जानवरों का अस्पताल समझाता है हमारा चंबा, दूसरी तरफ बेरोजगारी का बुरा हाल है। इस टाइम हिमाचल में 14 लाख से ज्यादा बेरोजगार है, और सारी बत्तियां जो है
वो कोर्ट में लटकी हुई है ज्यादातर, तो वो बोलते हैं अभी भरेंगे कभी भरेंगे, कभी कहते हैं फाइल उधर गई, कभी कहते हैं फाइल उधर गई, इनकी फाइलें इधर उधर भटकती रहती है। हाँ जी सर, तो मारा देख लो केस 19 में कमीशन दिया तो अभी रिजल्ट निकला, उसको भी मतलब ऐसा ही है डोल मोल रिजल्ट निकला है, मतलब और बैच भाई जो ज्यादातर मंडी रिश्ते के लगे हैं उसमें, तो आपको पता ही है देख लो। बाकी हम भी जुड़े हैं इनसे, हम इनकी ईमानदार छवि से देख जुड़े हैं, और मेरे सभी सभी से अनुरोध है कि इनको भारी से भारी बामों से बीजी बनाए ताकि हम आप चंबा का विकास कर सकें। धन्यवाद। हमारे बीच यहाँ पर उप प्रधान लुड्डू पंचायत के श्री रमेश शर्मा जी और वार्ड मेंबर हमारे बीच उपस्थित है, यहाँ पर मेरी महिलाएं बुजुर्ग युवा साथी उपस्थित है, मैं यहाँ पर लुड्डू पर हार्दिक स्वागतम करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़े भाई श्री नीरज नैयर जी प्रत्यक्षी श्री यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े हैं, और यहाँ पर श्री नीरज भाई को जिताना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है। मैं ये जैसा कि आप सभी यहाँ पर जानते हैं कि बड़े भाई श्री नीरज नैयर जी यहाँ पर काफ़ी बार आ चुके हैं, यहाँ पर मैं आने पर हार्दिक स्वागतम करता हूँ। ये बड़े भाई श्री नीरज नैयर जी ये इतने मेहनती युवा हैं जो कि आप समझ नहीं सकते। श्री नीरज नैयर जी ने यहाँ पर चंबा मेडिकल कॉलेज राजा वीरभद्र सिंह की तेल पर बनवाया था, और यहाँ देख लो राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नीचे बस स्टैंड वो भी राजा वीरभद्र सिंह ने बनवाया था। यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ मैं अपनी वीरानी को यही विराम देता हूँ कि नीरज भाई को हमारी लुड्डू पंचायत की तरफ से आगे पहुँचाए ताकि वहाँ पर ताकि शिमला जाने पर कोशिश करे। धन्यवाद करता हूँ और स्वागतम करता हूँ। नीरज नैयर जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसा कि आप सबको मालूम है दूसरी पार्टी जो भाजपा पार्टी है वे एक जुमलों की पार्टी है, उनके एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक प्रधानमंत्री तक जितने भी हैं वे सब झूठ बोलने में माहिर हैं, क्योंकि जनता को बहला फुसला कर वे पिछली बार सत्ता में आए थे। मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि चंबा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री नीरज नैयर जी के पक्ष में अपना मत दान करें, और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो आज जो हमारे पास जितनी भी जमीनें हैं वे हमारी नहीं हुआ करती थी, वे जमीनें पता नहीं किस किस की थी, पर जिस टाइम श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने कहा कि जो काश्तकार है जो इस जमीन पे हल चला रहा है वे जमीनें जो है उनके नाम पर करनी चाहिए, और वे जमीनें आज हमारी हैं। अगर कहीं जगह जगह सुनने में मिलता है कि प्रधानमंत्री जी 2000 रुपया जो है वो डालते हैं अकाउंट में, तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि 2000 रुपया कुछ भी नहीं है। आज हमारे पास जो जमीन है अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी होती तो आज हमारे पास ये जमीनें नहीं होती। प्रधानमंत्री बने देश के तो ये जो पंचायती राज है आज मेरे बड़े भाई रमेश शर्मा जी यहाँ इस पंचायत के उप प्रधान बने हैं तो ये राजीव गांधी जी की देन है, क्योंकि पंचायती राज एक्ट जो है वो श्री राजीव गांधी जी ने लाया था। और आज जितने भी बच्चे तो मैं फिर से आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि
जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री नीरज नैयर और हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री नीरज नैयर जी के पक्ष में अपना मत क्योंकि सबको पता है कि गांव की महिला से कितना अत्याचार हुआ है। अभी हाल मिट देते तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि जय जगत। पार्टी से पिछले एक साल से इनके कामों से प्रभावित हूं। मैं जब रिटायर हुआ तो हम कोरोना काल में रिटायर हुए तो हमारा जो पैसा था वो गवर्नमेंट जो भी भाव हुआ वो इतनी जल्दी दे नहीं रहे थे। तो फिर इस आरटीआई एक्ट जो कि कांग्रेस लाई थी, अगर ये नहीं होता तो दो साल तक हमारे को पेंशन नहीं मिलती। मैंने आरटीआई डाली तब जाके मैं हमारे को पेंशन चालू हुई दो साल बाद। और ये मोदी सरकार बोलती है कि हम जब रिटायर होते हैं उसके छह महीने में उनको पेंशन देते हैं। दो साल तक मैं धक्के खाता रहा, मैं आज तक किसी को वोट नहीं दिया ना मैं मौका मिला मेरे को, क्योंकि मैं सेना में था। आज मैं पहली बार नीरज भाई को वोट डालूंगा। फिर भाइयों ऐसा है कि गांव और अपने गांव के बच्चे जो गरीब तबका है उनके बच्चे ही फौज में जाते हैं, तो एक बार सेना में भर्ती होने के जाने के लिए एक बच्चे को कम से कम 1-1.5 लाख खर्चा होता है। मेरा लड़का 3 जगह मेडिकल ग्राउंड रिटर्न सब क्लियर कर गया। एक दिन रात को मोदी जी कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं कल से ये भर्तियां सब रद्द। क्यों? वो बच्चे जो दो, 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 तीन तीन भर्ती अटेंड किए उन्होंने, 4-4 लाख उनका खर्चा हुआ, वो कौन देगा? कोई नहीं देगा। बच्चा इतना दुखी हुआ कि सुबह 4 बजे उठ के जाता था, पूरी बर्फ हो सर्दी हो जाके दौड़ते हैं किसी तरह अपना क्लियर करते। तुमने लागू करनी थी कोई सिस्टम से लागू करनी थी, हर चीज में तुम डिक्टेटरशिप करते हो। बोले कल से नोटबंदी आज बंद। जिसने सहाया ना अच्छी तरह वो जानता। मैं पटियाला में था सर, मेरी पोस्टिंग आ गई सूरतगढ़, पीछे से और टीवी देखा है नोटबंदी, घर में पैसे छोड़ के नहीं गया, फैमिली सूरतगढ़ में थी, मेरे पास 2000। बोली मैं तो एटीएम देखी कि बोले एटीएम से निकलेंगे नहीं। इतना परेशान हुआ कि पूछो मत। किसी दोस्त को किसी को फोन करके 3 महीने काटे, फौज में छुट्टी तो मिलती नहीं, वापस आए तो फैमिली बच्चों को स्कूल से लाए, फिर लाइन में खड़ी रहे कि 2000 मिलेंगे। हमने 6 महीने काटे, हमें पता कैसे काटे। तो मैं इस मोदी सरकार, मैं पहले आरएसएस में रहा हूं, मैं इस मोदी सरकार बोलते ना बहुत अच्छी नीति। आज आटा लाया 370 रुपए का 10 किलो मिला, जो कि 5 साल पहले 220 तक का मिलता था। तो यार दही लाया, दही 70-71 रुपए का 1 किलो, कैसे खाएगा गरीब का बंदा? दिहाड़ी लगाएगा कि वो तेल 550 की 2 लीटर की आई। मेरे फादर तो बीजेपी में है, मैं बोला भाई आप बूढ़े हो आप ज्वाइन करना नहीं, लेकिन वोट इधर ही डालना है। मेरे को बोला मेरे पापा आज जहां जाना है वहां जाओ, अब मेरे सबका अपना हक है। तो बोला तुम जहां जाना है वहां जाओ, हमारी तरफ से फ्री है। मैं बोला मैं इसकी वोट, क्योंकि उनका पोता जब दुखी हुआ ना तो इतने दुखी हुए अंदर से, बोला बुढ़ापे में कहां ज्वाइन करना, ऐसे मैंने छोड़ बाबू। लेकिन मैं बोले मैं इनसे दुखी हूं बुरी तरह से। तो क्या और मैं क्या बोलूं, मैं इनकी और इनके जो एक्टिविटी थी अपना वो प्रधान जी, ये जब देखो इधर कहीं कोई भी छोटा मोटा फंक्शन है तो ये साथ में उनके साथ। मैं बोला ये ईमानदार नेता है नहीं है वो 500 और मेरे को इतनी जान पहचान नहीं है, लेकिन मैं जहां जाऊंगा वहीं पर चर्चा करूंगा। मैं कल से अपने ससुराल गया था उधर गुदियानू में, मैं उसको बोले हम बीजेपी वाले, मैं तुमको दिया क्या? मैं नहा के घर से जाता हूँ, तुम्हारे गांव में तो पानी नहीं आज तक, मैं तुमसे नियम किया। वंदे मातरम। धन्यवाद। आदर के योग्य था कि पिछली बार मैंने चुनाव लड़ना है, पर हाईकमान का जो ऑर्डर आया तो भाई नीरज नैयर जी पिछली बार चंबा विधानसभा के क्षेत्र से प्रत्याशी तौर के लिए तैयार हुए और केवल मात्र इन्होंने 25 से 26 पंचायतें टच की, पर फिर भी हर जनता का आशीर्वाद इनको मिला। 25 दिनों में इनको 25,000 मत पड़े,
वो किसका आशीर्वाद था? आम लोगों का, जो आप बैठे हैं इनका आशीर्वाद। अगर इनका आशीर्वाद लगेगा आपका, तो ही हमारे प्रत्याशी भाई नीरज नैयर जी विधानसभा में पहुंचेंगे। तो जैसे मेरे बड़े भाई ने संजीव शर्मा जी ने यहाँ पर दो बातें कही, भाजपा की जो सरकार है वो तो नकम्मी सरकार है, ये करती कुछ है बोलती कुछ है। अभी 2 से 3 महीने पहले एक मीटिंग यहाँ पर इसी ग्राउंड पर हुई, तो भाई रमेश शर्मा जी ने नीरज भाई को एक काम बताया था पानी का, यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या चल रही थी उस टाइम। तो भाई साहब, भाई नीरज नैयर जी ने तुरंत IPH डिपार्टमेंट के एक्सीन साहब को फोन किया, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, तो जो पिछला जो पानी का यहाँ पर सोर्स था वो बंद था, तो तुरंत मेरे ख्याल 2 या 3 दिनों में वो चालू हुआ। तो ऐसे प्रत्याशी को आप लाइए जो आपके काम में आए। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाजपा के प्रत्याशी, हम ये करेंगे, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में नहीं होता। ये स्कूल जो है ये आदरणीय स्वागत चंद नैयर जी की देन है, जो इनके पिताजी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे चंबा विधानसभा की क्षेत्र से। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और पता नहीं कितने स्कूल उन्होंने चंबा में खुलवाए, हिमाचल प्रदेश में खुलवाए। अभी कुछ बातें हमारे बड़े भाई नीरज नैयर जी करेंगे, मैं सारी बातें करूंगा, तो फिर इनको भी तो आपने सुनना है। तो ये बड़े अच्छे ईमानदार नेता है, और चंबा में चंबा के लिए बड़ी खुश नसीब है चंबा वाले कि हमको ऐसा नेता मिला, और परिवार के साथ जो है जुड़े रहे हैं। और करिया पंचायत लिखा आपने, करिया पंचायत है सर, और ये करिया पंचायत के रहने वाले हैं और रोडेगा से हैं, गांव रोडेगा से हैं। मैं आपका जो है कांग्रेस परिवार के आने पर आपका जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ कि जो आपने हमसे उम्मीदें लगाई हैं हम उस पर खरा उतरने की जो है भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत बधाई विश्वविद्यालय। धन्यवाद संजीव शर्मा जी। ये हमारे संजीव शर्मा जी हैं, अभी आपने इनका भाषण भी सुना, और इन्होंने खुद बताया कि इनका परिवार भी जो है भाजपा के साथ जुड़ा रहा कई वर्षों से, और भाजपा सरकार की कुछ गलत नीतियों की वजह से जो इन्होंने जो है आज भाजपा को छोड़ के जो है ये कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हुए। तो मैं आपका जो है संजीव जी कांग्रेस परिवार में आने पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत। मैं रुमाल किशन जी को भी कांग्रेस परिवार में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत जोगी रोडेगा से हैं, रुपेश कुमार, रुपेश कुमार, रुपेश कुमार जी हैं रोडेगा से हैं, तंदली से हेलो। ये हमारे भरत ठाकुर जी हैं, ये भी जो है भाजपा की जो है गलत नीतियों से जो है के कारण जो है भाजपा परिवार को छोड़ के आज कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं इनका भी जो है कांग्रेस परिवार में जुड़ने पर बहुत बहुत बधाई और स्वागत करता हूँ। ये हमारे सनी ठाकुर जी हैं, ये भी रोडेगा से हैं, इनका भी जो है मैं कांग्रेस परिवार में लाने पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। देवेंद्र भाई, ये हमारे देवेंद्र जी शर्मा जी हैं, ये भी हरियाणा से हैं, आपका भी जो है कांग्रेस परिवार में जुड़ने पर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। लुंडू पंचायत और आसपास की जो लगती पंचायतें हैं वहाँ की मेरी जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, यूथ के साथी हैं, मैं आप सबका जो है बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय जो है आप लोगों ने निकाला और इस मीटिंग के अंदर आप लोगों ने शिरकत की। साथ ही में हमारे साथ मंच पर बैठे
रोहित शर्मा जी जो कि वार्ड पंच है लुड्डू पंचायत से, हमारे उप प्रधान है हमारे साथ राधे जी, मैं तो उनको राधे जी के नाम से ही जानता हूँ, रमेश शर्मा जी वैसे नाम है पर हमें तो राधे ही अच्छा लगता, प्यारा नाम है। और सन्नी जी वार्ड पंच है खिलाड़ी से, ये भी हमारे साथ है। तिलक ठाकुर जी वार्ड पंच है रोडेगा से, हाँ जी हमारे साथ है। नवनीत राणा जी अभी साथ ही थे। दिनेश शर्मा जी है जानू भाई, वो भी हमारे पक्ष है। अजय शर्मा जी, पंकू गांव लियाड़ू पंचायत करिया, ये लोग हमारे साथ हैं। और आज ही कई लोगों ने जो ज्वाइनिंग की है उनके नाम हमने अभी ले लिए हैं। प्रमुखतम तौर पर संजीव शर्मा जी ने जो है यहाँ भाषण दिया और उन्होंने कारण बताए, वो एक भाजपा परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उन्होंने जो है भाजपा परिवार को छोड़ के जो है आज वो कांग्रेस में आए हैं, तो भाजपा की कुछ नीतियां जो है उन्हें पसंद नहीं आई, उसके कारण जो है उन्होंने आज जो है कांग्रेस परिवार के साथ जो है ज्वाइनिंग की है। आप लोग सब जानते हैं कि 12 नवंबर को जो है चुनाव है और चुनाव जो है वो हर 5 वर्ष के बाद आते हैं, तो आजकल मीटिंगें चल रही हैं, मीटिंगों का दौर चल रहा है और मैं पंचायत हर पंचायत के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि 20-21 दिन का आजकल टाइम मिलता है इलेक्शन के दौरान। उससे पहले हालांकि मैं सारी पंचायतों में कम से कम 10-10 बार तो हो आया हूँ पिछले 10 साल में, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि जब भी इलेक्शन का दौर चला हो तो पंचायत में एक दौरा जो है ज़रूर लगे, तो मेरा आज उसी कारण जो है आज लुड्डू पंचायत का जो है मेरा दौरा है। और मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि पिछले 15 वर्षों से चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है विधायक विराजमान है। 10 साल आदरणीय पीके चौहान जी जो है वो यहाँ से जो है विधायक रहे और अब 5 वर्ष से आदरणीय पवन नैयर जी जो है यहाँ से वो विधायक हैं। तो एक 15 साल का मौका जो है भाजपा के विधायकों को चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लगातार 3 बार जो है चंबा की जो प्रबुद्ध जनता है उन्होंने जो है भाजपा के विधायक को जो है यहाँ से जिता के भेजा है। मेरा ऐसा मानना है कि जनता की जो आवाज़ होती है वो खुदा की आवाज़ होती है और जो जनता का फैसला होता है वो सबको सर्वमान्य होना चाहिए। पिछली बार मुझे यहाँ से टिकट मिली कांग्रेस की और मैं तकरीबन 1875 वोटों से जो है मैं इलेक्शन हार गया, लेकिन ठीक है जो लोगों को पसंद आया वो लोगों ने किया और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और पिछली बार आदरणीय पवन नैयर जी जो है वो यहाँ से 5 साल जो है वो विधायक रहे, प्रदेश में उनकी सरकार थी, दिल्ली में उनकी सरकार थी, म्यूनसिपैलिटी कमेटी में उनकी धर्मपत्नी जो है वो अध्यक्ष रही, तो जो सारी चीज़ें एक व्यक्ति को अपने इलाके में तरक्की या डेवलपमेंट कराने के लिए चाहिए थी वो सारी चीज़ें इनके पास थी। सरकार यहाँ की भी इनकी थी, दिल्ली की सरकार भी इनकी थी और अध्यक्ष म्यूनसिपैलिटी की इनकी धर्मपत्नी थी, लेकिन पिछले 5 वर्ष में अगर ये कोई भी काम नहीं करा सके जबकि सब चीज़ें जो है इनके पक्ष में थी, तो अब आगे ये कहाँ से काम करवाएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी पिछले 2-3 महीने से आप देख रहे हो कि एक उद्घाटनों का और वादों का और नौकरियों का एक जैसे इन्होंने अंबार सा जो है लगा रखा है और सब चीज़ें जो है आप 3 महीने के अंदर ये करना चाहते हैं, जब पिछले 4 साल और 11 महीने और 20 दिन में कुछ नहीं कर सके तो अब 20 दिन के वादे किस काम के, किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ ठगमंतर ही है और उससे ऊपर जो है वो कोई बात उन वादों में दम है नहीं। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आप ऐसा गिना के बता दें जिसके बारे में वो गर्व से ये बोल सकें कि वाकई में मैंने ये काम जो है पिछले 5 वर्षों के अंदर किया। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, हर विधायक का अपना एक कार्यकाल होता है। मेरे पिताजी जो है वो 10 साल जो है चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक रहे और मैं
मैं आपको बता सकता हूं कि उन 10 सालों में उन्होंने क्या कार्य किए, उनके काम जो है वो नजर आते हैं। पहले चंबा शहर के अंदर पानी नहीं था, तो ग्रजन से वो पानी की स्कीम लेके आए, एक बहुत बड़ा काम था उस टाइम। और अब चंबा शहर जो है अगले 40 साल के लिए चंबा शहर में जो है पानी की कोई भी जो है परेशानी नहीं आएगी, तो ये बहुत अच्छा जो कार्य था उस टाइम का। उसके बाद ईरावती होटल उन्होंने खुलवाया चंबा के अंदर, सिर्फ एक सर्किट हाउस होता था रहने के लिए, तो ये एक कार्य था उनके टाइम में, जबरदस्त कार्य था उस टाइम का। आपका डाइट सरू, जहाँ से बच्चे JBT का प्रशिक्षण करके जो है वो निकलते हैं, तो वो जो JBT का जो इंस्टीट्यूट है सरू में, वो भी जो है उन्होंने खोला था। उसके बाद नवोदय विद्यालय जो CBSE बोर्ड जहाँ है, दो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आए, एक चंबा में और एक शिमला में, तो वो भी जो है वहाँ का एक जो है ऐतिहासिक काम जो है वो रहा है। उसके साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सेशन कोर्ट्स, जो आप कोर्ट आजकल सेशन कोर्ट्स देखते हो, ये जो है लोगों को धर्मशाला जाना पड़ता था, तो नवोदय विद्यालय और सेशन कोर्ट्स की जो अनाउंसमेंट है वो एक ही दिन इकट्ठे ही है वो की गई, तो ये भी एक ऐतिहासिक काम था उस टाइम का। चंबा शहर के अंदर सीवरेज की जो सारी स्कीम है, ये भी उनके कार्यकाल में की गई जो कार्य था, ये भी एक ऐतिहासिक काम था। तो विधायक जी अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में एक ऐसा काम बता दें जिसके बारे में वो बोल सकें कि कोई कार्य किया। और अगर स्कूलों की आप बात करेंगे, तो जब मेरे पिताजी 1985 में 1985 में जब शिक्षा मंत्री बने, तो चंबा के अंदर सिर्फ 2 सीनियर सेकेंडरी, तीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, एक गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल और एक चनेड़ में जो स्कूल था, तो वो सिर्फ 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे। मेरे ख्याल से कम कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ी चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जहाँ प्राइमरी, मिडिल, हाई या सीनियर सेकेंडरी स्कूल ना खोले हुए उस टाइम में। वो तो खैर गिनती नहीं है उसकी, तो अगर गिनती करने लगेंगे तो सवेरे से लेकर शाम हो जाएगी। तो इसीलिए यही कारण है। और ऊपर से मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि आदरणीय BK चौहान जी चंबा से विधायक रहे, उनका भी कार्यकाल रहा, तो लोगों, मैंने तो उनके कार्यकाल के बारे में सुना है, अगर उन्होंने किसी का अच्छा नहीं किया, लेकिन उन्होंने किसी का बुरा भी नहीं किया। लेकिन जो चंबा के हाल के विधायक हैं आदरणीय पवन नैयर जी, उन्होंने एक तो काम भी कुछ नहीं किया और बुरा करने में भी कोई जो है कमी नहीं छोड़ी, ये मैं लोगों से सुनता हूँ। और उसकी वजह से जो आप देख रहे हैं यहाँ, जो भाजपा परिवार से जो लोग हैं कांग्रेस में जो जुड़ रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही रहा है। और वो हर मन से बोलते हैं कि जो पिछले 40 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो मैंने 5 साल में करके दिखा दिया। तो मैं उनकी इस बात से बिल्कुल हामी भरता हूँ हर जगह जाके। वाकई में ही जो 40 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो 5 साल में उन्होंने करके दिखा दिया। जो मेरे पिताजी नहीं कर सके, आदरणीय हर्ष महाजन जी नहीं कर सके, वो आदरणीय विधायक पवन नैयर जी ने करके दिखा दिया 5 साल के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी जो है तहस नहस कर दिया भारतीय जनता पार्टी का, तो छोड़ा ही नहीं उस पार्टी का। और इसीलिए जो है बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं आज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि कई न्यूज लगी हुई थी कि आसी परिवारों ने, भाजपा के परिवारों ने जो है, सॉरी कांग्रेस के परिवारों ने जो है भाजपा ज्वाइन कर ली गई है। तो आदरणीय विधायक जी की एक आदत है, जहाँ भी जाते हैं आदमी को मिलता है तो सीधे गले में पटका बना देते हैं और बोलते फोटो खींचे तेरी फोटो खींच। अब आदमी क्या बोलेगा, आदमी क्या कैसे अपनी जान बचाएगा। मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, जितने भी भाजपा के लोग कांग्रेस में मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें जानता भी नहीं था, वो स्वयं मेरे पास आए। अभी हमारे पंडित जय कुमार जी हैं, जो कि पुंजारा गांव से हैं, खजियार के नीचे, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा के बड़े टॉप की जो है पोस्टों में वो रहे हैं। और उन्होंने जो है हाल ही में जो है पूरे गांव ने जो है उनके साथ जो है इकट्ठा मिलके जो है कांग्रेस का जो है हाथ जो है थामा है। तो ये चीज़ें, इसका क्रेडिट मेरे को नहीं जाता है, इसका जो क्रेडिट है वो पवन नैयर जी को ही जाता है, कि उन्होंने पता नहीं क्या किया है ऐसा। बैठे हैं कि नहीं बैठे, या जो वार्ड मेंबर है जो हमारे
कीड़ी से, ये दो बार के लगातार सिटिंग वार्ड मेंबर है कीड़ी से, और आज उन्होंने भी जो है भाजपा, और ये भी पुराने भाजपा समर्थक रहे हैं, और आज ये भी जो है अश्विन जी है जो उप प्रधान है कपूर पंचायत के, उन्होंने भी जो है भाजपा पर, मैं आपको सिर्फ मेन मेन लोगों की बात बता रहा हूँ, ऑटोमैट जो लोग हैं उन्होंने जो है कांग्रेस का जो है दामन जो है थामा है, और किसी को मैंने फोन करके ऐसे नहीं बोला कि आप जो है कांग्रेस ज्वाइन करो, खुद वो स्वयं आ रहे हैं, क्योंकि वो मेरी भाषा हमारे सामने एक हमारे मंगले के एक्स प्रधान हमारे रमेश जी है, सिटिंग बीडीसी है, इन्होंने भी जो है यूथ के साथी और मेरे माता है मेरे बहने और मेरे बुजुर्ग जो यहाँ आज मंच पे बैठे हैं, मैं सबसे एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आज 8 तारीख हो गई है और 12 तारीख को जो है मतदान है, मात्र 3 दिन का वक्फा जो है रह गया है, मैं सबसे विनती करना चाहूँगा कि जितने भी मेरे यूथ के साथी हैं अब अपने अपने इलाके में जो है आप लोग सब जो है डट जाओ, क्योंकि आप लोगों ने जो मेरे लिए हवा बनानी थी वो हवा बन चुकी है, वो हवा बन चुकी है, आप जरूरत है, क्योंकि ये जो तीन रातें हैं इनको कौड़ी रातें भी बोलते हैं, मैंने सुना है यहाँ, तो ऐसा है इन कौड़ी रातों के अंदर जो है आप सब लोग जो है सावधान रहो, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी की जो सरकार है इनके पास जो भाजपा सरकार है इस वक्त, भाजपा पार्टी जो है वो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की, जिसके अंदर अमेरिका भी गिना जाता है, जिसके अंदर विकसित देश भी गिने जाते हैं, तो रोज में टेलीविजन में सुनता हूँ कि इनके जो फंडिंग है इट इज द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड आई वुड से, कि सबसे अमीर पार्टी जो है भाजपा है आज के टाइम के अंदर, तो हम सब लोगों को सावधान रहना है, और सारे कार्यकर्ता जो है पार्टी के वो चुस्त दुरुस्त रहे, सिर्फ 3 दिन की बात है, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ उल्टा सीधा उलटफेर करने की गलत तरीके से कोशिश हो रही है, तो ये जो 3 रातें हैं ये जो है अगर आप 3 दिन और रात जो है जागे रहेंगे चुकन्ने रहेंगे तो आगे 5 साल जो है आप आराम से बैठेंगे और सुख के साथ जो है अपना टाइम व्यतीत करेंगे। मैं आप लोग बीजेपी को लाइटली मत लेना, ये जरूर है कि से आए हैं तो वो ज्यादातर जो हिस्सा है उनका कांग्रेस में रहा है, तो मैंने कई बार उनको इनडायरेक्टली ये बोलते भी सुना है कि भाई इन्हें कोई अनेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं जा सकते, इन्होंने भाजपा जो वोट पाड़ा ये नहीं मारी सकते हाथा जो मोर अनेरा करो ना करो कांग्रेस करेगा ताकि टूट गया हमारे को अंजाम, तो मैं भाजपा के जो लोग हैं जिनके कार्य नहीं हुए हैं मैं उनसे आज भी परसेंटेज में 20-30% जो है वो छोड़ के आए हैं, और बाकी के जो 70% है वो फिर वहीं के वहीं खड़े हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा, तो विधायक जी खुद ही बोलते हैं नहीं जा सकते कुछ इन्होंने बोले उत्ते जानी मेरा काम कुम करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जो करो दूसरे का काम वो टूटी के आई जाने मेरे पास है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि मौका बड़ा अच्छा है इस बार, सारे मिल जाओ एकत्रित हो जाओ, भाजपा के काफी लोग जो है वो थोड़े हैं परसेंटेज में, काफी लोग जो है हमारे पास भाजपा से अप्लाई हुआ है इस बार, फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा माहौल बना है और लोग इतने आक्रोशित हैं। कल हरदासपुर मोहल्ले में मेरी मीटिंग हुई थी और जिस तरीके से लड़के और बुजुर्ग और जिस तरीके से मतलब ढोल धमाके के साथ स्वागत हुआ, भैया नहीं इकट्ठे करिए फोटो खींच लेना भैया देखिए भाई जाइए गर्म गर्म जी फोर कर लीजिए।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री नीरज नैयर जिंदाबाद, श्री नीरज नैयर जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद, श्री नीरज नैयर जिंदाबाद, श्री नीरज। मैं सबसे पहले आप स्वागत करता हूं, क्योंकि 50 साल में पहले कोई ऐसे प्रत्याशी है जो हमारे गांव में आए हैं, और उन्होंने मन बनाया कि इस बार इनको जिताकर विधानसभा पहुंचाना है। बाकी मेरे भाई धर्मपाल जी बोलेंगे। विधानसभा में मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री नीरज अय्यर जी, जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनका क्रिया पंचायत के गुआड़ी वार्ड में पहुंचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 नवंबर को हिमाचल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और चंबा विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार हम मात्र कुछ वोटों से जो है वो रह गए थे, लेकिन इस बार लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है कि जो भाजपा सरकार की गलत नीतियां हैं, कुनीतियां हैं, उससे तंग होके इस बार सभी लोगों ने एक मन बनाया है कि 12 तारीख को सभी जो चंबा विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी श्री नीरज भाई के पक्ष में वोट डालेंगे और शिमला विधानसभा क्षेत्र में भेजेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले पिछले 5 साल पहले प्रधान रहा इस पंचायत का, तो अपनी तरफ से मैं जो कर सकता था उस तरह, कभी मेरे को मना ही नहीं किया इन्होंने कि ऐसा, कभी इन्होंने मेरे को ऐसे जताया ही नहीं कि मैं विपक्ष में बैठा हूँ वो काम नहीं करवा सकता। लेकिन जैसे ही मैं जो नहीं छोड़ी उसे भी जानते हैं, तो मैं यही अपील करूंगा कि 12 तारीख को जो हमारा कांग्रेस पार्टी का सिंबल है वो फर्स्ट नंबर पे है, उस पर मोहर लगाएं और नीरज भाई जी को ज़्यादा से मतों से यहां से प्रत्याशी जो हमारे कांग्रेस के है जीता के शिमला विधानसभा में भेजें। मैं यहाँ की सारी जनता मेरे सीनियर जो लोग यहाँ मंच पे बैठे हैं, और मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे यूथ के साथी, आज हम सब यहाँ जो है मीटिंग के लिए एकत्रित हुए हैं, और मुझे ऐसा बताया गया है कि मैं पहला ऐसा लीडर हूँ जो इस गांव के अंदर आ रहा हूँ, तो
मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ मुझे यहाँ आने का जो है आप लोगों ने जो है मौका दिया। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 3-4 दिन के अंदर चुनाव है, नवंबर 12 को जो है वोट पड़ रहे हैं। और पिछले 15 सालों से जो है चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो है भाजपा का जो विधायक है वो विराजमान है। 15 साल हो गए हैं लगातार यहाँ चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर। और अब मैं समझता हूँ कि भाजपा के विधायक को बदलने का जो है टाइम आ गया है। 10 साल आदरणीय बीके चौहान जी यहाँ से विधायक रहे और 5 साल अब आदरणीय पवन नैयर जी को यहाँ से विधायक बने हो गए हैं। और जितने भी मैं वोट मांगने वास्ते जानता शुरू शुरू अंदर मैं ये बोलता दिया मिले मैं नैयर है लोगों ने मुझे यहाँ बोले अबे 5 साल बाद तो आए वोट मांगने वास्ते मैं लिया नहीं मैं कांग्रेस पार्टी वाला नहीं है बीजेपी टूटी के पेई गए एक दो जने ना मेरे ऊपर फिर मैं बड़ा संभाली के आगे पूरी गल ठीक तरीके करे रखी भाई मैं कांग्रेस पार्टी वाला नहीं है तो फिर जरा शांति होगी। एक दो जने ता भी पेई गए बोलिया जी आंदे ही नहीं बोलिया काम करने वास्ते बोलिया हर बारी आंदे बोले वोट मंगने वास्ते फिर जब वोट ले जाते जीती जाते तो कभी पैर ही नहीं रखते वो तो मैं लिया जी मैं क्या करा मैं 15 साल हो गए भाजपा के विधायक जो तो बोले असी तो बोले कांग्रेस पार्टी जो ही वोट पाते थे मैं लिया क्या करना तुम तो पाते थे मैं मेरा मत्था खराब थिया नहीं फिर मैं लिया इस बारी वोट पाई दे तुम तो फिर चलो शायद काम बनी जाए तो बड़ा अच्छा इस बारी मौका है प्रदेश अंदर कांग्रेस की सरकार बननी है ये 150% पक्का है कि कांग्रेस की सरकार आए कर दी है। ये चंबे का भी कांग्रेस का विधायक बनी जाना था सोने पर सुहागा हो जाना कम कर रहे जो आसानी रहनी कुछ असी अपने इलाके वास्ते डेवलपमेंट करी सकते। पिछली बारी आदरणीय पवन नैयर जी इतने का विधायक रहे 5 साल तो कोई कारण नहीं थी होना चाहता थी कि वो काम नहीं कराई सके क्योंकि वो चंबे का विधायक भी थे सरकार भी उन्हेरी थी दिल्ली अंदर सरकार भी उन्हेरी थी म्यूनसिपैलिटी भी उन्हेरी थी तो सारे हत्था अंदर लड्डू ही लड्डू थे उन्हेरे पर 5 साल अंदर लड्डू से बन ही नहीं सके ठीक तरीके कने तो अपने ही लोगों जो बनी रखे मेरे हिसाब कने तो लोग जड़े हैं बड़े नाराज हैं अवे से नाराजगी जड़ी है उन्हें जो भुगतना पे कर दी है अवे लोग पहले बिल्कुल चुप थे पर अवे जिया ही कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो लोग जड़े एकदम तुसी दिखे करते लोग एकदम मूड बनाई के सामने आए करते तो मौका बड़ा अच्छा है। अवे सिर्फ 3-4 दिन बचे मैं सारे कने एक ही विनती करना चाहता कि हालांकि कांग्रेस की पोजिशन बड़ी अच्छी है चंबे कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर पर फिर भी असा लोगों जो चुकन्ने रहने की जरूरत है ये ना असी सोचन कि असी जीती गए ये जो कि जहाँ तक जीत हासिल नहीं होंगी तां तक असी नहीं जीते बिल्कुल जी। तो सारे कने हाथ जोड़ी के रिक्वेस्ट है कि जड़े 4 दिन हैं तीन दिन तो रात जड़ी इन्हें बड़ी जरूरी है ना जो कौड़ी रात भी बोल है ना बड़ी बारी जरूरी है तो सारे जने चुकन्ने रहे हो बाकी जिया मेरे कने लोग बड़े थे चले थे अवे हवा जड़ी बननी थी हवा बन गई है अब एक गल है अपना बूथ सबसे मजबूत है अपने बूथ जो संभालने वाली गल जड़ी अवे आई गई है तो मैं सारे कने हाथ जोड़ी के रिक्वेस्ट करता चलो आज का दिन हो गया तो एक अद्धा दिन होर करिए सारे अपने बूथा पर डटी जाओ क्योंकि अवे भाजपा ने अटैक करना है। भाजपा दुनिया की सारे का अमीर पार्टी है राम जाने क्या करना इन्होंने तो क्या नहीं करना तो भगवान ही जानता पर एक गल है हमारे जो चुकन्ना रहने की जरूरत है ठीक है हमारे जो पब्लिक का समर्थन है नो डाउट लिवदा है हमारे जो पर फिर भी बड़ा ध्यानपूर्वक तरीके करें हमारे जो चलना पूना तो सारे कने हाथ जोड़ी के रिक्वेस्ट है कि इस बारी जड़ा है ये 2-3 दिन जड़े हैं बिल्कुल चुकन्ने रहे हो तो बाकी ज्यादा गल्ला गप्पा क्या लानी है अब अगे एक और मीटिंग है उसके बाद तो इस बार का चुनाव जो है बहुत ही एक मजेदार चुनाव है और तमाशा देखने वाली चीज है ये क्योंकि श्री रामचंद्र जी को वनवास जो हुआ था वो 14 वर्ष का हुआ था
लेकिन कांग्रेस की यहाँ पे कांग्रेस को जो वनवास है वो 15 साल होने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर इस वनवास से आपने मुक्ति पानी है तो भाई नीरज नैयर जी को विधानसभा में पहुंचाना होगा। अभी पीछे जैसे 2-3 साल पहले की बात है कि कुंभ का मेला लगा हुआ था, वहाँ हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, बोले भाई इस साल कुंभ के मेले में 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। कितने लाख? वो आसमान को छू रही हैं और नारा देते हैं कि मोदी योगी का एक ही नारा, योगी का एक ही नारा, ना घर बसा हमारा और ना बसने देंगे तुम्हारा। जो कि इन लोगों ने जितना शोषण किया खास करके हिमाचल की जनता का, कि 5 साल अंदर तुसी दिखी लेता, 7 साल अंदर 15 लाख तुम्हारे खाते आई गया, मुफ्त सिलेंडर तुसा जो दे दिते, बोले मुफ्त बराने से दे दिते, और दिता क्या 1500-1500 रुपए का सिलेंडर हो गया, क्या मुफ्त दिता जी, उतनी कर सरदा कढ़ी ली थी तेल पीड़ी लीता तुम्हारा सारे का। एक साधु बाबा मिली पे असो, असी खड़ी है होटल पर चाह पी अगर, तो बोले बेटा ये जगह कौन सी है, भाई साहब लगे बोलना, बोले बाबा जी लंगेरा। तो घंटे के बाद असी फिर खड़ो हो,
नौजवान साथी, मैं ग्राम पंचायत प्रिया के मन करता हूँ। आपको पता है कि 12 तारीख को जो है हिमाचल विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और हमारे चंबा सदर से श्री नीरज नैयर जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि 12 तारीख को जो बैलेट पेपर जो उसमें पहला नंबर 95% जो है वो कांग्रेस ही है और हर बार जो है यहाँ से अच्छी लीड जो है कांग्रेस को गई है और आप हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। जो चंबा जंजला बस जो लगाई थी वो आपके टाइम आपके अथक प्रयासों से ही हुआ था। उस टाइम राजा साहब ने नीचे टाइमली जो है पहुंच रहे हैं और एक इनकी डिमांड थी, चलो अभी तो कुछ नहीं बोल सकते लेकिन मैं थोड़ा सा वार्ड मेंबर शायद यहाँ आए हैं या नहीं आए हैं लेकिन राकेश भाई ये बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी बीमार व्यवस्था में या कुछ ऐसा है उनका वोट जो है आपने कैसे डाला अपने लोकप्रिय विधायक को वोट किया है, तो मैं अच्छा जंजला वार्ड के मैं सारे मेरी माताएं मेरी बहनें मेरे बुजुर्ग सम्मानित मंच मैं सबका नाम नहीं लूंगा जल्दी है। मैं सबसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि पिछले 15 सालों से यहां भाजपा का विधायक जो है चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है। कितने सालों से? 15 साल। कांग्रेसी आया नहीं 15 साल का। इसी वास्ते जड़े कांग्रेस वाले इलाके थे उत्ते कोई कम काज नहीं हुए। तुम कांग्रेस से वोट पाते ना हमेशा का 95-80-90-100% ही पाते तकरीबन। इसी वास्ते तुम्हारा कोई कम नहीं हुआ। अभी मैं हाथ जोड़ी की विनती करता एक बारी आखिरी बारी लाई दो पूरा जोर कोई वोट जड़ा है वो मिस ना हो। और मैं तुसें एक गारंटी दिंदा गारंटी मतलब कि मैं पूरी कोशिश करूँगा बस का भी हो आपका काम आपका ही ऊपर जो प्रोटेक्शन वर्क या अगर मेरे से देखो ऐसा है मैं तलाके नहीं मारने मेरे को नहीं पता। मैंने पता किया था डीसी से तो मेरे से उसने बोला था कि काम हो सकता है अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अब सरकार हमारी अपनी हो जाएगी तो मैं लगाऊंगा जोर पर अगर किसी कारण अगर नहीं हुआ अगर किसी कारण आपको ज़मीनें जैसे बदल वो चाहते हैं ना कि वहाँ दे दी और कहीं और ले ली अगर किस तबादला अगर किसी कारण तबादले वाला सिस्टम क्योंकि पता क्या होता है सवाल ये नहीं होता कि काम होता नहीं है या नहीं होता। अगर एक जगह तबादला कर दिया ना हिमाचल प्रदेश के अंदर तो ऐसी चीज़ें जो हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हजारों जगह हो रही है फिर वो क्या होता है वो सारी जगह ही तबादले वाले फिर पहुंच जाते हैं एक नहीं दो मतलब मैं आपको बता रहा हूं जो सच्चाई है। अगर एक ही जगह करनी हो तो सरकार कर देती है पर जैसे ही आपके लिए वो करेंगे तो पता नहीं 100-200-500-1000-10000 गाँव और होंगे जो तबादले के पीछे ढूंढ रहे होंगे और एक नया जो है ये चक्कर शुरू हो जाता है। फिर मैंने पूछा था डीसी से बोलता है ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता पर बोला सरकार खुद चाहती है कि तबादले ना करें उसके बजाय जो है प्रोटेक्शन वर्क कर दे पर फिर भी मैं देखूंगा अगर संभव होगा तो मैं कराऊंगा। और दूसरा जो भी है ये मैंने कागज अभी पूरे तरीके से पढ़ा नहीं है बड़े लंबा चौड़ा लिखा हुआ है आपने ना इस तरीके से कागज नहीं बनाना जब काम कराना है काम जो कराना ना इस तरीके से कागज नहीं बनाना है इतनी लंबी चौड़ी आपने 4 पेज कोई भी नहीं पड़ेगा आपने ऐसे करना पहले प्रमुखतम जो काम है जैसे आपका बस का काम दो तीन काम जो है वो पहले लिख दिए इसको अलग डिफाइन करो ना वैसे ही और उसमें नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4 बस दो तीन से ऊपर जो है एक कागज के ऊपर होने नहीं चाहिए क्योंकि पैसा भी लगता है हर चीज लगती है डिसइंटरेस्ट बस का अलग क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही अलग है वो HRTC है ये जो आपका सड़क वाला होगा ये PWD में आएगा मेरे यूथ के साथी बिल्कुल तुसी ध्यान रखना और जो गाड़ी
ठीक है।